काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैंने ये ब्रशेस सेट मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल गए थे गाइज, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और पैकेजिंग की बात की जाए तो मुझे ये इस पैकेट में रिसीव हुए थे, इसमें भी एक प्लास्टिक का पैकेट था जिसमें ये अच्छी तरह से सिक्योर होके मुझे रिसीव हुए गाइस। ये मेरी फ़र्स्ट शॉपिंग है फ्लिपकार्ट से, आज तक मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया और मेरी फ़र्स्ट शॉपिंग थी, तो मुझे एक्सपीरियंस मेरा ये अच्छा रहा। और 5 ब्रशेज गाइस मुझे रिसीव हुए फेस मेकअप के लिए, और 5 ब्रशेज रिसीव हुए आई मेकअप के लिए गाइस। अगर इनकी लेंथ की बात की जाए तो लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े छोटे हैं, बट इस ओके। चलिए बात कर लेते हैं मेकअप ब्रशेज की, हमें क्या कौन कौन सा ब्रश रिसीव हुआ। सबसे पहले मैं ये ब्रश मुझे रिसीव हुआ है, ये पाउडर ब्रश अंडर आई के लिए। ये गाइस काफ़ी सॉफ्ट है, इसे मैंने अभी यूज़ नहीं किया है बट ये काफ़ी सॉफ्ट है। उसके बाद मैंने ये यूज़ किया था, यह फाउंडेशन ब्रश, और गाइस ये इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड करता है और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो मैंने इसे यूज़ करके देखा था। और ये है एंगल ब्रश गाइस, ये आप मल्टी यूजेज हैं ब्रश, आप इसे काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हो, इसे आप पाउडर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अपने आई के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ऊपर पाउडर लगाने के लिए। और ये काफ़ी सॉफ्ट है, क्वालिटी की बात की जाए तो गाइस ये प्राइस के हिसाब से बहुत ही सॉफ्ट हैं। और ये है एंगल ब्रश जिसे मैंने यूज़ करके देखा था अपनी ब्लश के लिए और कंटूरिंग के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मेरे पास है ये पाउडर ब्रश गाइस, वैसे ये पाउडर ब्रश आप कई तरीकों से यूज़ कर सकते हो, पाउडर लूज पाउडर लगाने के लिए और कम्पैक्ट पाउडर लगाने के लिए, ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सॉफ्ट ब्रश है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने अब आई ब्रशेस की गाइस। तो मेरे पास ये है फ्लैट ब्रश, ये स्मॉल फ्लैट ब्रश है, जैसे कि आपके मेकअप पर दाग के छोटे छोटे डॉट्स हैं जिसे आप कंसीलर से कवर करना चाहते हो और उससे उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के लिए ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। इसके बाद मेरे पास है एंगल ब्रश, आप अपने आईज़ के आउट कॉर्नर पर एंगल ब्रश से अच्छी तरह से वर्क कर सकते हो। जैसे कि गाइस मैंने कहा कि ये मल्टी वर्किंग है ये ब्रशेस, इससे आप अपना हाईलाइट भी कर सकते हो फेस को, नोज़ को और आईज़ के आईब्रोज़ को, आईब्रोज़ के नीचे, तो ये काफ़ी मल्टी वर्क करते हैं। और ये है एक ब्लेंडिंग ब्रश, मैंने इसे यूज़ करके देखा था ताकि मुझे पता लगे कैसा है, बट गाइस ये बहुत अच्छा है और काफ़ी सॉफ्ट और ब्लेंड भी काफ़ी अच्छी तरह से करता है, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये है मेरे पास एक पेंसिल ब्रश जिससे हम आईज़ के इन कॉर्नर पर हाईलाइट के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर आईब्रोज़ के नीचे हाईलाइट के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये एक है पेंसिल ब्रश, मेरे पास 2 पेंसिल ब्रश है, इसे आप वहाँ पे सेव करके रख सकते हो ताकि आप एक ख़राब जाए तो दूसरा यूज़ कर सको, तो 2 सेम हैं। और गाइस अगर चलिए बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो प्राइस ये काफ़ी मुझे अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था फ्लिपकार्ट में, इसका प्राइस था 190 रुपीस, और ये मुझे शिपिंग चार्जेस में डालकर टोटल मुझे इसके पड़े हैं 224, और मैं इसका स्क्रीनशॉट इस पर दे दूँगी। और गाइस इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो इस प्राइस के हिसाब से ये बहुत अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी सॉफ्ट है, और मैंने 2-3 ब्रश यूज़ करके देखे हैं और काफ़ी अच्छे हैं गाइस। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप इसे बाय कर सकते हो, और ये बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यस गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और साथ में होगी छोटी सी घंटी, तो आप इसे प्लीज़ दबा देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय।